सोलन में कोरोना संक्रमण से जहां एक ओर जीवन को खतरा है, वहीं अब इस जानलेवा संक्रमण ने अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। छोटी बड़ी दुकानों के साथ साथ सोलन शहर के बड़े बड़े मॉल जैसे आनंद कॉम्प्लेक्स भी सूने पड़े हैं। ग्राहक के नाम पर इक्का दुक्का लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। सोलन में ज्यादातर दुकानें किराए पर हैं, जिसके चलते लोगों को किराया निकालना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। बैंकों की भारी भरकम किश्तों और ब्याज के तले दबकर व्यापारी पूरी तरह से बदहाल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से शहर और गांव वासी डरे हुए हैं और वे घरों से खरीदारी करने के लिए बेहद कम निकल रहे हैं। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सोलन के व्यापारियों ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दुकानें खाली पड़ी हैं, बाजारों में ग्राहक बेहद कम है, जिसकी वजह से उन्हें घर के खर्चे चलाने भी मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऋण लेकर व्यवसाय शुरू किए थे, व्यवसाय चल नहीं रहे हैं, लेकिन ब्याज उसी दर से लग रहा है, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी उनकी जमा पूंजी थी, उसमें से जैसे तैसे वे खर्च चला रहे थे, लेकिन अब वे पूंजी भी खत्म हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे कुछ व्यापारियों को भी राहत प्रदान करें, ताकि उनके घर का खर्च भी चल सके। सर, काम पे तो देखो आप, बिल्कुल मार्केट खाली है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है और काम तो बिल्कुल जीरो हो गया इस टाइम, क्योंकि लोगों में बहुत एक डर बैठ गया है कि मार्केट में जाना नहीं है, तो इस वजह से काम तो बिल्कुल नहीं है। बाकी ऐसा हमें कोई रियायत रुत कुछ नहीं मिली है कि जो ऐसा कुछ बेनिफिट हमें मिला है। पहले एक कस्टमर की वॉकिंग अच्छी थी, आज की डेट में बिल्कुल वॉकिंग खत्म हो गई है, कस्टमर आ ही नहीं रहा मार्केट में। बहुत बुरा हाल है मार्केट का। मार्केट में सब लोग दुकानदार मतलब कस्टमर का ध्यान तो रख ही रहे हैं, मार्केट में हाथों से सैनिटाइजर वगैरह देते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा डरने की बात है इसमें। काम की स्थिति और बहुत ही हालत बहुत ही नाजुक है, क्योंकि हमारे पास भी जब कस्टमर आता था तो इस टाइम तो मतलब की दुकान में काफ़ी हो जाता, थोड़ा बहुत बिजी होते थे हम लोग, तो इस टाइम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। सर, काम से कोरोना से पहले तो काफ़ी ठीक था, जैसे ही कोरोना आया आपका उसके बाद थोड़ा काफ़ी हद तक फर्क पड़ा, लोग डर गए हैं। आप देख ही रहेंगे मार्केट खाली है, कस्टमर नाम मात्र ही है, जितने हमारे खर्चे हैं उतने पूरे नहीं हो पा रहे। लोन तो इतनी बुरी हालत है कि अभी सोच के डर लग रहा है, जैसे इस मंथ के बाद अब पोजीशन आपको भी पता है कि अब कट्ठे ही लगने हैं, उसमें क्या सहायता होगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी तक कोई पता नहीं प्रशासन क्या सोच रहा हमारे लिए। बाकी हालत तो आप समझ ही रहे, देख ही रहे आप, मार्केट में ही है, मार्केट में कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, बहुत मतलब कि लोग डर चुके हैं। चिंता का विषय तो ऐसा है, तो प्रशासन ही देखेगा अब क्या होना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट देखेगी। अब हमें तो एकदम लोन लगेंगे, आप भी समझते हैं कि एकदम ब्याज पर ब्याज होगा तो क्या पोजीशन होगी हमारी, इसी बात से डरे हुए हम लोग भी अभी। सर, मेरा नाम जावेद है, मेरी टेलर की शॉप है। आजकल सभी का काम बहुत मंदा है, और रही सरकार की बात, सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं मिली है, जैसे कि सरकार ने बोला था भाई किराए माफ़ हो जाएंगे, ठीक है सर, सरकार ने तो कोई किराया माफ़ नहीं किया हमारे ऊपर, पर दुकान जिनकी दुकान थी मेरे पास, उन्होंने मेरा एक महीने किराया माफ़ किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचे, काम नहीं है आजकल ना, दुकान कभी खोल लेते कभी बंद कर लेते, क्योंकि टाइम पास होता नहीं है दुकान में बैठ के भी सर, तो क्या करना सर, हमने चिंता की स्थिति में है सर, चिंता ही होगी जब काम नहीं होएगा, किराया कहाँ से देंगे, खाएंगे कहाँ से सर, तो सर इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें आजकल।